भाइयों और बहनों, बीते कुछ समय में दीदी के फैसले बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी बन गया है और एग्जिट पोल भी बन गया है। दीदी का हर एक्शन देख लीजिए, सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। शुरुआती रुख पता चला तो दीदी भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम पहुंच गई। नंदीग्राम जाकर लगा और उन्हें लगा कि यहां आकर गलती कर दी है और अब तक का जो पोलिंग का मूड है, जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। गुस्से में वो नंदीग्राम के लोगों के अपमान पर उतर आई। पहले चरण की वोटिंग होने के बाद उनकी बौखलाहट और बढ़ गई है। कल ही दीदी ने देश के कई नेताओं को संदेश भेजकर मदद की अपील की है। जो लोग दीदी की नजर में बाहरी है, टूरिस्ट है, जिन्हें वो कभी मिलने तक का समय नहीं देती थी, अब उनसे समर्थन मांग रही है। साथियों, आप सोचिए, 10 साल मुख्यमंत्री रहते अगर बंगाल की सेवा की होती तो दीदी ये करना पड़ता क्या? क्या 3 दिन एक ही क्षेत्र में गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता क्या? ईवीएम को गाली वो पहले ही दे चुकी है, चुनाव आयोग को कटघरे में वो पहले ही खड़ा कर चुकी है। दीदी, ओ दीदी, आपका व्यवहार, आपके शब्द, आपकी बौखलाहट बंगाल के लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। आपने बंगाल के साथ विश्वासघात किया, अब आप बंगाल के विनम्र और समृद्ध भाषा, संस्कार, यहां की मान मर्यादाओं का भी अपमान कर रही है।